सामान्य तरीके से देखा जाता है कि फौज के लिए सभी के हृदय में संवेदना और सम्मान होती है। पिछले दिनों एक वृद्ध व्यक्ति सत्येंद्र नारायण सिंह ने अपने 4 पुत्रों को भारत की सीमा पर देश की रक्षा कर रहे अपने असमर्थ बताते हुए जमीन मेरा है, जबकि दूसरा पक्ष ने अमीन से ट्रैक्टर की खरीदारी की है और सारा पेपर उसके समक्ष है। स्पेशल मजिस्ट्रेट के द्वारा भी फैसला दिया गया है इसके फेवर में। जब ये जमीन में काम तालाब खुदवाने जाता है तो फिर वह वृद्ध सत्येंद्र नारायण सिंह अड़चन लगाते हैं कि ये जमीन मेरा है। देखिए पूरा मामला क्या है। यहाँ तक कि उन्होंने गलवान घाटी का ही उदाहरण दिया था। अब इसे स्क्रिप्ट राइटिंग कहें या देश की भावनाओं से खेलना, जिस पक्ष पर वो आरोप लगा रहे थे वह पक्ष ने अपने सारे दस्तावेज के साथ गया के वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि वह जमीन उनकी है और उस जमीन पर वह तालाब का निर्माण करवा रहे थे। उसने बताया कि उस जमीन का निबंधन के बाद से सारे लगान वह कटाते आ रहे हैं और उस जमीन पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है, मगर सत्येंद्र नारायण सिंह आम लोगों की भावना खेलकर एवं बलपूर्वक जमीन को विवादित करना चाहते हैं। इसी जमीन पर हमने ट्रैक्टर लोन पर निकाला है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके उच्च स्तरीय जांच की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। मेरे न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। मामला सर, हम कल मीडिया आउटलेट के माध्यम से पेपर में पढ़े और न्यूज में देखे कि हम मेरे ऊपर दबंग छवि दिखाकर दिखाया गया कि जेसीबी से मतलब पूरे खेत को रौंद दिया गया है, जबकि वास्तविकता वहाँ पे यह है कि वो प्रॉपर्टी मेरी है और हम तालाब खुदवाने गए थे वहाँ। तो जब हम कल ये चीज़ पढ़े, एसएसपी का भी स्टेटमेंट सुने, उसके बाद हम आज एसएसपी साहब के पास हम भी मिलने गए थे। उनको हम सारा पेपर जो है मतलब केवाला रसीद कोर्ट का डिग्री 144 सारा चीज़ दिखाए उनको, वो सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन वो मीडिया के माध्यम से बताना चाहता है कि मेरे यहाँ 4-4 मिलिट्री है, पब्लिक का जो सिंपैथी है वो जुड़े और भड़काऊ हो जिससे उत्तेजित होकर हमारे ऊपर किसी प्रकार का हमला हो सकता है, ऐसा उसका मोनोपोली है। लेकिन जब ग्राउंड पे आप जाइएगा तो वास्तविकता कुछ और है, जो आप लोग खुद से वहाँ जाकर पता कर सकते हैं कि रियलिटी किसका है, सत्यनारायण सिंह का है या रीना सिन्हा का प्रॉपर्टी है, वो तो जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। आखिर वो जमीन है किनका और किनके नाम पर है? जमीन हमारी आंटी रीना सिन्हा और हमारी दादी जी जानकी देवी के नाम पे है, जिसका ये रसीद हुआ। के बाद सवाल आपके नाम पर है? नहीं, आंटी जी के नाम। 144 वो आदमी लगाया, लड़े उसका है, बटेदारी लड़ा उसका है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गया उसका भी जजमेंट है। सारा जजमेंट जो है हमारे पक्ष में है, उसको आप लोग अपने स्तर से भी जांच कर सकते हैं। आखिर वो दावा क्यों कर रहे हैं कि मेरा जमीन है? बस जो दबंग वाला छवि हमको दिखा रहा है ना, 180 डिग्री पे घुमा दीजिएगा तो छवि गांव में उसका दिख जाएगा। हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह का घटना वो घटित करते रहता है जिससे कि जो गांव का माहौल है ना वो ख़राब होते रहे। ये लोग किस तरह के लोग हैं? लोग बस माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं, मतलब उसको आप क्या कह सकते हैं, रंगदार भी नहीं कह सकते हैं, माहौल बस बिगाड़ता है। फिर कोर्ट से आप कब्जा का प्रयास आपने किया? हम कोर्ट से ही प्रयास किए हैं, कोर्ट भी दिया है। हम एक बार 2006 में मजिस्ट्रेट के प्रतिनियुक्ति करवा के हम फसल भी कटवाए हैं जिसका भी पेपर है। तो हर बार हम इतने भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है कि हर बार हम कोर्ट जाएं